नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल ग्रो पूंजी में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं MRPL स्टॉक के बारे में, जिसके प्राइस चल रही है 118 और आज के दिन भी इस स्टॉक में 9% की पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। दोस्तों MRPL ने लास्ट ढाई महीने के अंदर यानी कि अप्रैल, मई और जून के अभी सिर्फ 8 दिन हुए हैं, इसके अंदर MRPL के स्टॉक ने ऑलमोस्ट 190% के रिटर्न दिए हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 200% आप काउंट करके चल सकते हैं, 190% के काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं। दोस्तों इतने अच्छे रिटर्न के पीछे का रीजन क्या है वो भी हम जानेंगे आज के वीडियो में, लेकिन दोस्तों वीडियो को ध्यान से जरूर देखिए और एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज के वीडियो में हम ये सब कुछ जानने वाले हैं कि अभी हमें इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, क्या इस स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है या हम यहाँ पर भी इस स्टॉक में न्यू एंट्री लेने के बारे में सोच सकते हैं, इस बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों सबसे पहले हम ये जानेंगे कि MRPL के स्टॉक में जो लेटेस्ट कल के दिन एक बड़ा अप ट्रेंड देखने को मिला था उसके पीछे क्या न्यूज थी, लेकिन दोस्तों उस न्यूज को जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और ऐसे ही स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स की न्यूज और स्टॉक्स की एनालिसिस करके मैं आपके लिए लेके आता रहूं। और साथ ही दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड सभी न्यूज हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। जैसा कि दोस्तों इस टाइम पर रशिया की तरफ से क्रूड ऑयल बहुत सस्ते में मिल रहा है, इंडिया को बहुत चीप प्राइस पर मिल रहा है, जिसका इम्पैक्ट हमें रिफाइनरी जो भी पेट्रोकेमिकल और रिफाइनरी कंपनीज है स्टॉक्स है उन पर देखने को मिला है। कल के दिन लेटेस्ट मॉर्निंग में न्यूज आई थी जहां हमें कल के दिन ONGC, चेन्नई पेट्रोलियम, MRPL जैसे कई सारे स्टॉक में 10% और 20% तक का बड़ा अपट्रेंड देखने को मिला था। ये तो हो गई दोस्तों लेटेस्ट कल की न्यूज, लेकिन दोस्तों MRPL में जो लास्ट 2 मंथ से अपट्रेंड देखने को मिल रहा है उसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट आया है वो काफी अच्छा देखने को मिला है। कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट में प्रॉफिट में एक बड़ा जंप देखने को मिला है, जहां स्टॉक में हमें कंटिन्यू एक अपट्रेंड देखने को मिल रहा है, जहां स्टॉक में हमें 45-46 से एक अपट्रेंड देखने को मिला 83 तक का, फिर एक छोटा सा डाउनफॉल देखने को मिला 67 तक का, एंड अगेन फिर से हमें इस स्टॉक में एक अपट्रेंड देखने को मिला 92 का, और फिर से नेक्स्ट वीक उस स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला 75 का, और उसके बाद में कंटिन्यू हमें इस स्टॉक में 77 की प्राइस से 125-126 तक के टारगेट देखने को मिले हैं, एक बड़ा अपट्रेंड देखने को मिला है। तो दोस्तों अब हम ये जानेंगे कि हमें इस स्टॉक में यहाँ पर क्या करना चाहिए। जैसा कि दोस्तों कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट काफी अच्छा आया है, कंपनी मंथली, वीकली और डेली पर काफी अच्छा देखने को मिला है, और ऑलरेडी हमने इस पर 1 मंथ पहले ही वीडियो बना दिया था, 66 और 67 की प्राइस पर वीडियो बनाया था, जहां क्लियर कहा था कि आप इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं, आने वाले टाइम में आपको इस स्टॉक में काफी अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे जो हमें इस टाइम पर इस स्टॉक में देखने को मिल रहे थे। और दोस्तों जो SL बताया था वो था सिर्फ और सिर्फ 60 रुपीज का, यानी कि वीकली पर अपने 200 EMA का सपोर्ट से SL बताया था, और कंटिन्यू हमें इस स्टॉक में 67 की प्राइस से बड़ा अपट्रेंड देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पर हमें अपट्रेंड देखने को मिला, फिर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, एंड अगेन अपट्रेंड देखने को मिला, एंड अगेन प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो यहाँ पर दोस्तों कंटिन्यू 2 वीक से एक अपट्रेंड देखने को मिला है, तो पॉसिबिलिटीज है कि अभी फिर से हमें एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है MRPL के स्टॉक में। ऑलरेडी ये मंथली, वीकली और डेली पर काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन दोस्तों किसी भी स्टॉक में एक बड़े अपट्रेंड के बाद में प्रॉफिट बुकिंग आती है जो हमें इस टाइम पर MRPL के स्टॉक में भी देखने को मिल सकती है। तो अगर आप इस स्टॉक में न्यू एंट्री लेने के बारे में सोच रहे हैं तो दोस्तों सोच समझ के एंट्री लें, या आपको लेनी ही है लॉन्ग टर्म के व्यू से तो मिनिमम क्वांटिटी ले, क्योंकि अगर स्टॉक डाउन आता है तो आप और क्वांटिटी ऐड करके एक अच्छा एवरेज प्राइस बना सकते हैं, लेकिन अगर आप हैवी क्वांटिटी लेते हैं और स्टॉक में अगर किसी भी रीजन से XYZ रीजन से डाउन ट्रेंड आता है और बड़ा डाउन ट्रेंड आता है लाइक 10% या 15% का, तो दोस्तों आप पैनिक हो सकते हैं। इसलिए स्टार्टिंग में आप इतने हाई प्राइस पर मिनिमम क्वांटिटी ले, स्टॉक अगर डाउन आता है यानी कि स्टॉक में आप 75 का SL मेंटेन करके चल सकते हैं, और अगर स्टॉक 98 या फिर 100 आता है तो आप और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, या फिर 90 भी आता है तो आप और क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हैं। यहाँ पर आप मिनिमम क्वांटिटी ले, और जिन लोगों ने ऑलरेडी एंट्री ली हुई है कम प्राइस पर वो दोस्तों अपना 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर 30% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं।
70% क्वांटिटी को होल्ड करके चले लॉन्ग टर्म के व्यू से, आपको आने वाले टाइम में MRPL के स्टॉक में 200 और 250 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।